हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड 75 हार्ड के 11th डे में भाई आपका एक बार फिर से स्वागत है और आपका तो भाई नए ब्लॉग में भी स्वागत है। आज भाई मॉर्निंग में हम आ गए हैं पार्क में। ये है भाई सुशांत मलिक आरव नांदल। तो भाई आरव ने भी हमें ज्वाइन किया है, सेकंड डे है आरव का हमारे साथ। पर भाई वैसे तो यार रात को लेट सोया और मैं अलार्म से तो उठता ही नहीं भाई, पर ये है भाई हमारा पर्सनल अलार्म जिसको रात को भाई अपने पूरे होशो आवाज में मैं ये कह देता हूँ, अभी जो मैं तुझे डिसीजन दे रहा हूँ ये मानना है तेरे को, सुबह अगर मैं कुछ भी कहूँगा नहीं मानना है। बस भाई एक बारिश का तो एक्सक्यूज़ दिया था कि अगर बारिश हो तो नहीं चलेंगे या देखेंगे जैसी सिचुएशन होगी। पर फिर भाई अंशु को बोला जाता है कि तू उठ के सीधा मेरे रूम में आ जाए अगर, भाई इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे को उठाने का, क्योंकि भाई पूरे दिन होते हैं थक जाते हैं। आ रहा हो कैसा लग रहा है सुबह उठ के? दर्द में है। तो एक ही दिन में दर्द हो रहा है। तो भाई आज हम आए हैं सेक्टर में एक पार्क में जहाँ हम अपना वर्कआउट करेंगे। तो भाई यहाँ पे करेंगे आज अपनी स्केपिंग का वर्कआउट, बाकी तो अलग अलग जगह है। तो अब भाई बीच बीच में क्लिप्स दिखाएंगे आपको, और भाई ये सब इसलिए दिखाया जाता है ताकि आप भी अगर चाहते हैं करना कुछ या तो आपको एक पुश मिले या मोटिवेशन मिले, और अगर हम कर रहे हैं भाई डेली तो आप भी कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, आज 11 दिन हुए हैं बट काफ़ी चेंजेस फील कर पा रहा हूँ। एक दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से होती है तो आप लोग भी कर सकते हैं। Tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy and I don't think you have a clue what could that be. So guys, aaj ka hamara bodyweight workout skipping session bhai complete ho gaya hai aur dono ladkon ne bhi bhai acha kiya. Ab bhai dono ko hi school jana hota hai और मैं जाके करूँगा भाई एडिटिंग, देन अपना निकलूँगा कोर्ट के लिए। बट भाई बहुत रिफ्रेशिंग मौसम होता है सुबह सुबह, अच्छा भी लगता है। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है कि आप सब भी भाई उठें सुबह और एटलीस्ट कोई भी वर्कआउट, कुछ भी आप वॉक भी करके आ सकते हैं, बट एटलीस्ट यू शुड गिव 40-45 मिनट्स टू योर सेल्फ। तो ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं घर पे। लो भाई आज की भी अपनी डाइट सेम रहेगी, पीनट बटर चॉकलेट फ्लेवर में एक रोटी और भाई शाही पनीर। पनीर बनाया भाई मम्मी ने आज घर पे, तो जल्दी से खाते हैं। मैं सोच रहा हूँ मम्मी को कहीं शॉपिंग वॉपिंग करवा दूँ, काफ़ी दिन हो गए, मम्मी भी बेचारी भाई खुश हो जाएगी। अब सूट वूट नहीं दिलाऊँगा, पर सूट दे लिया पीछे, साड़ी दे दी, अब कुछ और दिलाऊंगा। या फिर मम्मी की भाई खुली चॉइस कर दूं कि मम्मी आपको जो लेना हो इस शोरूम में से ले लो, ऐसे ऐसे कुछ ऐसा करते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली भाई कल लेके जाऊंगा मम्मी को, और आप मैंने आप लोगों से पूछा था भाई मम्मी को कहाँ घुमाऊं कहाँ लेके जाऊं, तो वो भी बताना। गाइस वैसे तो आज मेरा प्लान था भाई कि कोर्ट से आके और मम्मी को भाई कहीं शॉपिंग वॉपिंग करा लूँ, पर जब मैं कोर्ट से आया तो मम्मी थी नहीं घर और मम्मी फिर चली गई पार्क में। और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ आज का अपना आउटफिट। तो भाई आज का हमारा आउटफिट है प्यूमा की सैंडो, रिबॉक के शॉर्ट्स, बास्केटबॉल शॉर्ट्स पहनता हूँ मैं ज़्यादातर ना, क्योंकि बड़ा लूज लूज मेरे को फिट बढ़िया लगता है। और भाई ये है नाइकी जूम, ये है नाइकी जूम के शूज, तो है गया अपना। तो गाइस अब चलते हैं जिम में।
Never stop, forget it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something. भाई वर्कआउट तो हो गया, अब दिक्कत आती है सारी डाइट की, पर डाइट लेने भी जाएंगे भाई, क्योंकि आज सुबह से प्रोटीन रिच कुछ खाया नहीं है। तो भाई अब चलते हैं अपना डाइट वगैरह लेने। और ये आउटफिट बताओ दोस्तों, कैसे लगते हैं आपको? मैचिंग मैचिंग टाइप कर लेना चाहिए ना कभी कभी। सो गाइस, अब मैं आ गया हूँ भाई जिम से घर पे, और ब्लॉग को करेंगे बैन। आज कई सारी चीज़ थी जो फुलफ़िल नहीं कर पाए हम, जैसे कि मम्मी को मार्केट लेके जाना था, मम्मी नहीं थी घर पर, कोई बात नहीं। सो भाई, जिस दिन आप ये व्लॉग देख रहे हैं भाई, उस दिन है सावन शिवरात्रि। और वैसे भाई शिवरात्रि हर महीने 14 तारीख को मनाई जाती है, पर जो सावन शिवरात्रि होती है भाई, उसका बहुत महत्वपूर्ण एक हमारे उसमें मैथोलॉजी में एक हिस्सा है। इस दिन माना जाता है भाई कि जो विष्णु भगवान हैं वो योग निद्रा में चले जाते हैं, और जो उनके पीछे का सारा संचालन है वो शिवजी जी को दे के जाते हैं। पढ़ा था मैंने ये ना कहीं पे, तो उस दिन भाई शिवजी की आराधना वगैरह इंपॉर्टेंट होती है इस वाली शिवरात्रि की। और भाई एक होती है महाशिवरात्रि, उस महाशिवरात्रि और नॉर्मल शिवरात्रि में फ़र्क होता है, क्योंकि महाशिवरात्रि वाले दिन शिव जी और पार्वती जी के विवाह का दिन होता है उस दिन। और जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है भाई, वो है जो सावन वाली शिवरात्रि होती है भाई, उसमें ना कावड़ियों की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। आज भी मैं भाई रस्ते में जा रहा था ना, आपने भी अपने लोकल में देखा होगा, इन दिनों में ना कई तरीके के कावड़ लेके आए जाते हैं। एक होती है भाई सामान्य कावड़, जो भाई बस ऐसे कावड़ लेके चलते हैं, उसमें भाई वो बंदे रेस्ट वगैरह भी कर सकते हैं और कहीं पर खाना वाना भी खा सकते हैं आराम से, वो आराम से लेके आते हैं ना। दूसरी होती है भाई डाक कावड़, जिसमें एक बार जल अगर भर लिया तो वो भाई वो चलती रहती है, उसमें वो रुकते नहीं है, तो उसमें भागते हैं कई लोगों का ग्रुप होता है। फिर होती है भाई एक दंडित कावड़, जो मैंने आज देखी थी भाई, उसमें क्या होता है ना, बंदा महीनों लग जाते हैं उसमें ना, वो वहाँ से चलता है और अपने शरीर जैसे लेटता है और अपने शरीर के हिस्से का भाई डिस्टेंस वो कवर करता है, और ऐसे लेट लेट के लेट लेट के भाई हरिद्वार या जहाँ से भी वो गंगा जल उठा रहा है वहाँ से अपने मंदिर तक वो ऐसे यात्रा पूरी करते हैं। और एक होती है भाई खड़ी कावड़, खड़ी कावड़ में भाई आपने एक बार कावड़ उठा लिया तो वो कावड़ कभी कहीं पे आप रख नहीं सकते, कुछ नहीं, या तो आप या आपके पार्टनर, अगर एक बंदे को रेस्ट करना है तो भाई वो दूसरा बंदा खड़ा रहेगा वहाँ पे और कावड़ को खड़ी रखेगा, वो भी भाई बहुत डिफिकल्ट कावड़ है एक। और अच्छा, दूसरी बात दोस्तों, कावड़ क्यों लेके आते हैं, तो पहला कावड़ कौन लेके आया था, कैसे शुरू हुई थी, तो दोस्तों इसके ऊपर भी ना कई सारी धारणाएं हैं। किसी उसमें बोला गया है कि भाई रावण जो थे, रावण ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए भाई पहली बार जल अभिषेक किया था शिवलिंग को। एक और जो धारणा भाई उसमें बोला जाता है कि परशुराम जी ने शिवजी की आराधना करने के लिए जल अभिषेक किया था बागपत में, परशुराम जी को भी भाई पहला कावड़िया बोला जाता है, और श्री राम जी ने भी भाई शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा आराधना की थी और जल अभिषेक किया था, तो उनको भी कावड़िया बोला जाता है। तो भाई आज का दिन तो और ये पूरा महीना भाई शिव जी जी के लिए होता है, और कावड़ियों के लिए बहुत अहमियत होती है, या कावड़िए भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस इन दिनों में। और ऐसा भी माना जाता है दोस्तों कि जो कावड़ लेके आता है भगवान उनकी सारे दुख तकलीफ़ों को दूर करते हैं। और बहुत तरीके की कावड़ देखते हैं भाई, एक तो मैंने आज वीडियो देखी, बहुत छोटा सा बच्चा था, मेरे ख्याल से 7 साल का, कितने साल का, वो कावड़ लेके आ रहा है यार। और दोस्तों आप भी मेरे को कमेंट करके बताइए आप में से कौन कौन कावड़ कभी भी लेके आया है। और जैसे कि मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि भाई वंशु भी कावड़ लेने गया हुआ है डाक कावड़, और हमारे गोल्डी भाई साहब भी कावड़ लेके आ रहे हैं, और जब व्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ तो उसके 1-2 घंटे बाद वो पहुँच जाएंगे सोनीपत में ना, आज रात को, मतलब कल शिवरात्रि है तो वो आज रात को पहुँच जाएंगे पहले ही, क्योंकि कावड़िया भाई इस तरीके से शुरू करते हैं कि वो शिवरात्रि वाले दिन तक अपना जल चढ़ा दें यहाँ पे लाके। तो ठीक है दोस्तों, आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भाई जोर से बोलो जय श्री राम। Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always